और देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दीपक दशरथ दीपक, उसको प्रज्वलित किया जा रहा है तपस्वी छावनी में। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक दशरथ दीपक, जिसको नाम दिया गया अयोध्या के तपस्वी छावनी में, यहां पर प्रज्वलित करते हुए और 108 मीटर का जो है ये दीपक है, एक साल का पूरा समय लगा, 7.5 करोड़ इसकी लागत आई है, सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में एक साल का पूरा समय जो है वो यहां पर लगा है। और देख सकते हैं इस समय पूरा माहौल जो है राममय हो चुका है यहां पर। देख सकते हैं इस समय आप विजुअल्स में, और इसमें अगर सीधे तौर पर बात की जाए तेल की, तो 1.25 क्विंटल तेल जो है वो यहां पर जो है लगेगा पूरा, 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती और 10,000 लीटर तेल, माफ कीजिएगा, 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती जो है वो यहां पर बनाई गई है, और जिसमें 10,000 लीटर तेल से जो है यहां पर ये राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। और विश्व का सबसे बड़ा दीपक, इसको एक लंबा समय लग गया यहाँ पर तपस्वी छावनी में जो है इसको बनाने में, अंतिम स्वरूप देने में, और अब आखिरकार जो है यहाँ पर आज आखिरकार जो है यहाँ पर प्रज्वलित किया जा रहा है दशरथ दीपक को। देख सकते हैं यहाँ पर इस समय विजुअल्स में यहाँ पर प्रज्वलित किया जा रहा है दशरथ दीपक को, दुनिया का सबसे बड़ा दीपक, 108 मीटर का दीपक तपस्वी छावनी अयोध्या में इस समय आप देख सकते हैं विजुअल्स में यहाँ पर जो मशालों की मदद से इस दीपक को प्रज्वलित किया जा रहा है, और पूरा जो पूरी जो छावनी है तपस्वी छावनी इस समय जय सिया राम के नारों से इस समय जो है यहाँ गूंज चुकी है, लगातार जय सिया राम के नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं इस समय आप देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक, 108 मीटर का दीपक जो है वो यहाँ पर प्रज्वलित करते हुए तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य की तरफ से जो है यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। देख सकते हैं आप जय सिया राम के नारे जो है वो यहाँ पर लगातार लगाते हुए 108 मीटर का दीपक जिसको प्रज्वलित किया गया यहाँ पर, और बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। देख सकते हैं इस समय आप विजुअल्स में लगातार जय श्री राम के नारे, जय जय सिया राम के नारे जो है वो यहाँ पूरी तपस्वी छावनी जय सिया राम के नारों से इस समय गूंज चुकी है। देख सकते हैं आप इस समय विजुअल्स में लोग काफी उत्साहित, यहाँ पर जो साधु संत समाज के लोग हैं वो भी काफी ज्यादा उत्साहित, आम जनता काफी ज्यादा उत्साहित, लगातार जय श्री राम के नारे यहाँ लगाते हुए। क्या कहना चाहेंगे, विश्व का सबसे बड़ा दीपक प्रज्वलित किया गया, ये दीपक प्रज्वलित किया भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में, हमको अपार ऊर्जा का एहसास हो रहा है, हम अयोध्यावासी बहुत खुश हैं, हमारा मकान भी यही बगल में ही है, इससे हमारे घर में बहुत ऊर्जा का वास होगा, लक्ष्मी आएंगी, हम लोग सुख संपन्न होंगे, और हमारे भगवान राम का यहाँ पर अवतरण हुआ है, इससे हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, पूरा जो है यहाँ उत्साह नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ पे अत्यधिक हमारे जीवन का सबसे सुखमय आज हम अनुभूति कर रहे हैं, इतने अपने 51 साल की उम्र में हम लोग कभी खुश नहीं हुए, और यही हमारे भगवान राम हमारे प्राण हैं, अगर भगवान राम नहीं है तो मेरा प्राण नहीं है, जय श्री राम। देख सकते हैं माहौल यहाँ, बाबूलाल, बाबूलाल जी, विश्व का सबसे बड़ा दीपक प्रज्वलित किया गया यहाँ पर, क्या कहेंगे जी? हमको बहुत खुशी हो रही है, विश्व का सबसे बड़ा दीपक आज हम सौभाग्य साले जो हमारे को देखने को मिला है, हम बहुत खुश है, हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का पल यही होगा।
अभी ऐसा ही माहौल रहेगा अब तो रहेगा रहेगा। हम एक महीने से यहीं घूम रहे हैं अयोध्या में ही। आगे रहने वाले अजमेर जिला का। अजमेर से? जी अजमेर से। आप अजमेर से भी लोग यहाँ आए हैं, पहुंचे हैं यहाँ जय श्री राम के नारों से। पूरा इस समय जो है यहाँ पर तपस्वी छावनी जो है यहाँ पर गूंज चुकी है। जी क्या नाम है आपका? मनोज सिंह चौहान। कहाँ के रहने वाले? मैनपुरी के। 108 मीटर का दीपक, दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है। ए जय जय सियाराम, बहुत खुश हूँ। जय जय सियाराम। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर के चेहरे पर देख सकते हैं आप यहां पर विश्व का सबसे बड़ा दीपक, दशरथ दीपक, 108 मीटर का ये पूरा दीपक है। और एक साल जो है वो इसको लगा है पूरा यहां पर इसकी तैयारी में। और अलग अलग जो है यहां पर तीर्थ स्थल, वहां से जो है मिट्टी लाई गई है, जल लाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे फिर वो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान में हिंगलाज शक्तिपीठ हो, वहाँ से भी जो है यहाँ पर मिट्टी को लाया गया। और अब ये आप देख सकते हैं लंबे समय तक जो है यहाँ से ये दशरथ दीपक जो है वो प्रज्वलित होता रहेगा। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ आ रहे हैं और आकर के जो है तपस्वी छावनी, अभी जैसे कुछ देर पहले आपने देखा, अभी भी यहाँ पर जय श्री राम के नारे जो है वो यहाँ लगातार, जय सिया राम के नारे लगातार जो है वो यहाँ पर लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही इस दशरथ दीपक को जो है यहाँ पर प्रज्वलित किया गया है। नमस्कार प्यारा हिंदुस्तान, देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय हम मौजूद हैं तपस्वी छावनी में और आप यहाँ पर देख सकते हैं तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं दुनिया का सबसे बड़ा दीप जलाने के लिए। जी हाँ, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे तौर पर 108 मीटर का दीप जो है वो यहाँ पर जलाया जाएगा। 108 मीटर जो है यहाँ पर दीप। और आपको बता दें कुछ दिन पहले भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, लगभग 7.5 करोड़ की लागत से ये निर्मित जो है 300 फीट से ज़्यादा लंबा जो है यहाँ पर ये दीपक है, ये जला करके जो है यहाँ पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो है उसका शुभारम्भ किया जा रहा है। यहाँ पर तपस्वी छावनी के जो पीठाधीश्वर हैं महंत परमहंस आचार्य जी, उनकी तरफ से। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं इस समय जो है वो तेल के टीन जो है वो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहले है यहाँ पर माता सीता के मायके नेपाल से आया हुआ जो है 108 टीन तेल जो है वो वहाँ से आया है नेपाल से। और उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर 1.25 क्विंटल जो है रुई की बत्ती, उसके अलावा 10,000 लीटर तेल से जो है ये राम ज्योति जो है प्रज्वलित की जाएगी। और इसका नाम जो यहाँ पर रखा गया है वो दशरथ दीपक रखा गया है। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए यहाँ पर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जो है उन्होंने यहाँ पर बताया है कि विश्व का सबसे बड़ा दीपक है और सभी तीर्थों की मिट्टी जो है उस जल, समुन्द्र का जल और गाय के घी से जो है ये दीपक बनाया गया है। और जैसे पहले हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया था कि जो पाकिस्तान में हिंगलाज शक्तिपीठ है वहाँ से भी जो है मिट्टी को लाया गया। कुल एक साल का समय जो है यहाँ पर इसको करने में, इसकी पूरी तैयारी करने में लगा है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बस कुछ ही देर में जो है प्रज्वलित किया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा दीपक जो है उसको यहाँ पर कुछ ही देर में प्रज्वलित किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो तेल डाला गया 108 टीन तेल जो है यहाँ पर वो आया नेपाल से। और बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। 22 जनवरी से पहले जो है यहाँ पर ये शुभारंभ किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान राम की वेशभूषा में भी जो है वो यहाँ पर बच्चे आए हैं श्री राम बन करके। और अब बस कुछ ही क्षणों में जो है इस दीपक को, दशरथ दीपक जिसका नाम दिया गया, इस दशरथ दीपक को जो है वो यहाँ पर प्रज्वलित किया जाएगा। और देख सकते हैं आप बड़ी बड़ी मशाले जो है वो इसके लिए तैयार की गई हैं, जो खुद तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जो हैं वो यहाँ पर इस दीपक को जो है प्रज्वलित करेंगे। और इसी क्षण को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। और देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं जय सिया राम के नारे जो है वो लगातार लोगों की तरफ से लगाए। बस अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर प्रज्वलित किया जाएगा विश्व का
सबसे बड़ा दीपक, दशरथ दीपक जिसको नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य और साथ ही साथ और महानुभाव यहाँ पहुंच चुके हैं। अब 108 मीटर का जो ये दीपक है, दशरथ दीपक जिसको नाम दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा दीपक, अब जो है उसको यहाँ तपस्वी छावनी जो है अयोध्या में रामघाट पर यहाँ पर अब जो है इसको प्रज्वलित किया जाएगा, जिसके लिए सीधे तौर पर 108 टीन तेल जो है वो यहाँ पर सीता माँ के माइके नेपाल से जो है यहाँ पहुँचा है। और उसके अलावा देश भर के शक्तिपीठों से जो है एक साल पूरा लगा यहाँ पर जो मिट्टी एकत्रित की है, समुन्द्र जल यहाँ लाया गया है, तीर्थ स्थलों से जल लाया गया है। इतना ही नहीं, अभी के जो पाकिस्तान में हिंगलाज शक्तिपीठ है वहाँ से भी जो है मिट्टी को यहाँ पर लाया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ माहौल, ये जो अभी प्रज्वलित किया जाएगा दीप को, दशरथ दीपक को, उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ माहौल। और अब यहाँ यहाँ विजुअल में आप देखेंगे यहाँ पर वो मशाले जो है वो लाई जा रहे हैं, इन मशालों से ही इस दीपक को जो है वो यहाँ पर प्रज्वलित किया जाएगा।